हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीनियस पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पंचायती राज में टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की काउंसलिंग 17 नवंबर और 20 नवंबर को होने वाली है, और लगभग सभी जिलों का काउंसलिंग के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आ गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रोहतास जिले के काउंसलिंग के संदर्भ में बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स का चयन इन दोनों पोस्ट के लिए किया गया है। आपको इन दोनों लिस्ट का पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट rohtash.nic.in पर जा कर के भी अपने लिस्ट को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि बिहार पंचायती राज और गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। एक बात और फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल के माध्यम से हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने रोहतास ज़िले का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन कर रखा है, आपको भी इसी वेबसाइट पर आना होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि तीन जो है नीले रंग की पट्टी बनाई हुई है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां मोर का ऑप्शन आएगा और तीन काले रंग की पट्टी बनेगी, उसी पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नया ब्लॉग ओपन होगा और इसमें आपको नोटिस बॉक्स में जाना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप नोटिस पर क्लिक करेंगे, फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको रिक्रूटमेंट में क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट का ऑप्शन जो है ओपन हो चुका है और बिहार पंचायती राज से संबंधित जो है लिस्ट ओपन हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर काउंसलिंग ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, एंड सेकंड नंबर में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स काउंसलिंग ऑफ अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट। फ्रेंड्स, ये दोनों लिस्ट जो है आप यहाँ से क्लिक करके आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इन दोनों लिस्टों को डाउनलोड कर लिया है। फ्रेंड्स, बारी बारी से हम इन दोनों की लिस्टों के बारे में आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं काउंसलिंग की जो पीडीएफ आई थी वो ओपन हो चुकी है। ये पीडीएफ जो है लेखापाल सह आईटी असिस्टेंट के लिए है। फ्रेंड्स, इसमें पाँच ग्रुप्स बनाए गए हैं और इन पाँच ग्रुप्स में आप लोगों का अलग अलग तरीके से चयन होगा। अर्थात अनारक्षित लोग होंगे, उनकी जो है दल संख्या एक जो है काउंसलिंग करेंगी। अनारक्षित सेकंड में आपको लिस्ट है, उनकी दो नंबर की जो दल बनाई गई है उसमें जो जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी, अर्थात ये जो सेकंड लिस्ट में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लोग जो हैं उन लोगों का काउंसलिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगला है 24 लोग जो अनुसूचित जाति से और दिव्यांग कैंडिडेट्स की जो लिस्टेड आई हैं उनकी जो है तीसरे नंबर का दल या ग्रुप्स जो है आपकी काउंसलिंग करेंगी। चौथे नंबर पर देख रहे हैं फ्रेंड्स अति पिछड़ा वर्ग एवं स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित 24 लोगों की कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है उन कैंडिडेट्स के लिए चौथे नंबर का दल जो है काउंसलिंग करेगा। और पांचवा जो है पिछड़ा वर्ग अर्थात बैकवर्ड कास्ट से कैंडिडेट्स जो भी होंगे उन 18 कैंडिडेट्स का पाँचवा दल जो है काउंसलिंग करेगा। फ्रेंड्स, इसमें आगे जाते हैं, लिस्ट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं एक नंबर से लेकर के 62 नंबर तक, एक नंबर से 62 नंबर तक जो है जनरल कैंडिडेट में अर्थात जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उनकी जो है लिस्ट दिखाई जा रही है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति अर्थात एससी कैंडिडेट्स जो हैं एक नंबर से 20 नंबर अर्थात 20 कैंडिडेट्स जो हैं एससी कैटेगरी से चयनित किए गए हैं इस पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स देख रहे हैं कि 22 कैंडिडेट्स जो हैं अति पिछड़ा वर्ग अर्थात ईबीसी कैटेगरी से इस पोस्ट के लिए अर्थात अकाउंटेंट पोस्ट के लिए चयनित किए गए हैं काउंसलिंग के लिए। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं फ्रेंड्स, 14 कैंडिडेट की लिस्ट आपको दिख रही है, ये पिछड़ा वर्ग अर्थात बीसी बैकवर्ड कास्ट से सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो हैं काउंसलिंग के लिए चयनित किए गए हैं अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला है 4 कैंडिडेट्स जो है महिला वर्ग के लिए है
और ये पिछड़े वर्ग से संबंधित जो महिला हैं उनकी की लिस्ट हैं जो काउंसिलिंग के लिए अकाउंटेंट पोस्ट के लिए चयनित किए गए हैं। फ्रेंड्स अगला है, चार कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है दिव्यांग वर्ग से संबंधित है और ये जो है चारों कैंडिडेट्स जो हैं पुरुष एवं महिला मिला करके अकाउंटेंट पोस्ट के लिए चयनित किए गए हैं काउंसिलिंग हेतु। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगला है स्वतंत्रता सेनानी से आश्रितों के आरक्षित पदों के लिए दो कैंडिडेट्स जो हैं चयनित किए गए हैं काउंसिलिंग हेतु। तो फ्रेंड्स ये रहे सारे जो कैंडिडेट्स जो है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए चयनित किए गए हैं काउंसिलिंग हेतु। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो फ्रेंड्स आपके तकनीकी सहायक के पोस्ट पे जो काउंसिलिंग के हेतु जो चयनित पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी हैं उनकी सूची खुल गई है। आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी सेम वैसे ही कैंडिडेट्स की लिस्ट है। 62 जो कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो है लिस्टेड किए गए हैं उनकी पहले लिस्ट की गई है। सेकंड अनुसूचित जाति अर्थात SC कैटेगरी से 20 कैंडिडेट्स और अगला है 14 कैंडिडेट्स जो है पिछड़ा वर्ग अर्थात बैकवर्ड कास्ट से कैंडिडेट जो चयनित किए गए हैं काउंसलिंग हेतु। अगला फ्रेंड्स देख रहे हैं कि 22 कैंडिडेट्स जो है अति पिछड़ा वर्ग अर्थात EBC से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका जो है काउंसलिंग होना है 17 नवंबर को। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो अगले चार कैंडिडेट्स जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उठाए गए हैं। ये चारों कैंडिडेट्स जो है दिव्यांग से संबंधित हैं, इसमें पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी शामिल हैं जिनका काउंसलिंग तकनीकी सहायक के पोस्ट के लिए 17 नवंबर को होनी है। अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो दो पोस्ट जो है स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए रखी गई है। दो कैंडिडेट का चयन हुआ है, इसमें EBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं दोनों। इनकी काउंसलिंग जो है 17 नवंबर को होनी है। तो फ्रेंड्स ये रहे तकनीकी सहायक एवं IT असिस्टेंट अर्थात अकाउंटेंट से संबंधित जिन कैंडिडेट्स की लिस्ट जो आई है काउंसलिंग के लिए 17 नवंबर और 20 नवंबर के, उनके संबंध में कुछ जानकारियाँ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले कुछ अन्य जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।